समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, सबरी से मातृत्व, हनुमान जी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया। यहां तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उनका अद्भुत व्यक्तित्व, उनकी वीरता, उनकी उदारता, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी निर्भीकता, उनका धैर्य, उनकी दृढ़ता, उनकी दार्शनिक दृष्टि युगों युगों तक प्रेरित करते रहेंगे। राम प्रजा से एक समान प्रेम करते हैं, लेकिन गरीबों और दीन दुखियों पर उनकी विशेष कृपा रहती है। और इसीलिए तो माता सीता राम जी के लिए कहती हैं, दीन दयाल बिरिदु संभारी, यानी जो दीन है, जो दुखी हैं, उनकी बिगड़ी बनाने वाले श्री राम है। साथियों, जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जहां हमारे राम प्रेरणा न देते हो। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते न हो। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। हजारों साल पहले वाल्मीकि रामायण जो राम प्राचीन भारत का प्रदर्शन कर रहे थे, जो राम मध्ययुग में तुलसी, कबीर और नानक के जरिए भारत को बल दे रहे थे, वही राम आजादी की लड़ाई के समय बापू के भजनों में अहिंसा और सत्याग्रह के शक्ति बनकर मौजूद थे। तुलसी के राम सगुण राम है तो नानक और कबीर के राम निर्गुण राम है। भगवान बुद्ध भी राम से जुड़े हैं तो सदियों से ये अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का भी केंद्र रहा है। राम की यही सर्वव्यापकता भारत की विविधता में एकता का जीवन चरित्र है। तमिल में कंब रामायण तो तेलुगु में रघुनाथ और रंगनाथ रामायण है, उड़िया में रुईपाद कातेलपदी रामायण है, तो कन्नड़ा में कुमुदेंदु रामायण है। आप कश्मीर जाएंगे तो आपको रामावतार चरित मिलेगा, मलयालम में रामचरितम मिलेगी, बांग्ला में कृतिवास रामायण है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो खुद गोविंद रामायण लिखी है। अलग अलग रामायणों में अलग अलग जगहों पर राम भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे, लेकिन राम सब जगह हैं, राम सबके हैं। इसलिए राम भारत की अनेकता में एक तरह के सूत्र है। साथियों, दुनिया में कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं, वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह काकाविन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण है। राम आज भी वहां पूजनीय है।
कंबोडिया में रमकेर रामायण है, लाओ में फ्रालाक फ्रालाब रामायण है, मलेशिया में हिकायत सेरी राम, तो थाईलैंड में रामा केन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण मिलेगा। श्रीलंका में रामायण की कथा जानकी हरण के नाम सुनाई जाती है और नेपाल का तो राम से आत्मीय संबंध माता जानकी से जुड़ा है। ऐसे ही दुनिया के और न जाने कितने देश हैं, कितने छोर हैं, जहां की आस्था में या अतीत में राम किसी न किसी रूप में रचे बसे हैं। आज भी भारत के बाहर दर्जनों ऐसे देश हैं जहां वहां की भाषा में राम कथा आज भी प्रचलित है। मुझे विश्वास है कि आज इन देशों में भी करोड़ों लोगों को राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने से बहुत सुखद अनुभूति हो रही होगी। आखिरकार राम सबके हैं, राम सब में है। साथियों, मुझे विश्वास है कि श्री राम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होगा। मुझे विश्वास है कि यहां निर्मित होने वाला राम मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। इसलिए हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि भगवान श्री राम का संदेश, राम मंदिर का संदेश, हमारी हजारों सालों की परंपरा का संदेश कैसे पूरे विश्व तक निरंतर पहुंचे, कैसे हमारे ज्ञान, हमारी जीवन दृष्टि से विश्व परिचित हो, ये हमारी वर्तमान और हमारी भावी पीढ़ियों की विशेष जिम्मेदारी है। इसी को समझते हुए आज देश में भगवान राम के चरण जहां जहां पड़े वहां राम सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या तो भगवान राम की अपनी नगरी है, अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, यहां राम कह रहे हैं मेरी जन्मभूमि अयोध्या अलौकिक शोभा की नगरी है। मुझे खुशी की आज प्रभु राम की जन्मभूमि की भव्यता दिव्यता बढ़ाने के लिए कई ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, न राम सदस्य राजा पृथ्व्याम नीतिवान अभूत, यानी कि पूरी पृथ्वी पर श्री राम के जैसा नीतिवान शासक कभी हुआ ही नहीं। श्री राम की शिक्षा है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई भी दुखी न हो, गरीब न हो। श्री राम का सामाजिक संदेश है, पहुष्ट नर न